हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी है पोटैटो रोल्स। जितना यह देखने में सुंदर लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। तो चलिए इसे बिना देर किए बनाते हैं। पोटैटो रोल्स बनाने के लिए मैंने लिया है 4 उबले आलू, वजन में 200 ग्राम होगा। इसे हम क्रश कर लेंगे अच्छे से। आलू हमारा क्रश हो चुका है, अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने एक बड़े साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच या 2 चुटकी अजवाइन, गरम मसाला 1/4 छोटी चम्मच, 2-3 लहसुन को मैंने क्रश कर लिया था वो डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक लें। अब इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते। पुदीने और धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैं ज्यादा डाल रही हूँ। आप चाहे तो सिर्फ पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, सिर्फ धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने डाला एक हरी मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और एक मिक्सर बना लेंगे। मैंने इन सभी चीज को मिला लिया है और एक डो की तरह बना लिया है। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन, 2 नमक, 10 बारह कुटी हुई काली मिर्च और 2 चुटकी अजवाइन। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। घोल हमारा ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और नहीं ज्यादा पतला होना चाहिए। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोल हमारा बनकर तैयार है, बिल्कुल इसी तरह की चाहिए हमें घोल। इसके बाद हम एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स लेंगे। मैंने ब्रेड के 3 स्लाइस को मिक्सर में ग्राइंड कर लिए है और एक फाइन पाउडर बना लिया है। पोटैटो रोल्स बनाने के लिए हमने सभी चीजों को तैयार कर लिया है। अब हम पोटैटो रोल्स बनाना शुरू करते हैं। बाउल में से थोड़ा सा मिक्सर उठाएंगे और अपने हाथों से उसे गोल करते हुए ओवल शेप में बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद इसे बेसन में डीप करेंगे अच्छे से। बेसन में डीप करने के बाद इसे हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम से। इसके बाद इसे उठाकर हल्के हल्के प्रेस कर देंगे। ऐसा करने से ब्रेड हमारे सेट हो जाएंगे और तेल में बिखरेंगे नहीं। एक और बनाती हूँ मैं। थोड़ा सा मिक्सर उठाएंगे, इस तरह से करके गोल करेंगे, ओवल शेप देंगे इसे। इसके बाद इसे बेसन में डीप करेंगे। और कोट करने के लिए इसे प्लेट में रखेंगे और प्लेट को हिलाएंगे। इसे जो हमारे रोल्स हैं वो अच्छे से कोट हो जाएंगे। और इसके बाद उसे उठाकर ब्रेड क्रम्स को हल्के हाथों से दबा देंगे। इसे आप चाहें तो सर्कल शेप में भी बना सकते हैं। पोटैटो रोल्स हमारे बन चुके हैं। इसे डीप फ्राई करने के लिए मैं ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। जब तेल हमारा गर्म हो जाए तो थोड़ा सा डो डालकर चेक करेंगे कि तेल हमारा कितना गर्म है। तेल हमारा गर्म हो चुका है जैसा हमें चाहिए। तेल हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है और न ही ठंडा रखना है। अब एक एक करके सारा रोल्स को कढ़ाई में डाल देंगे। रोल्स हमारे एक तरफ से सिक चुके हैं, इसे पलट देंगे और इसी तरह से उलट पलट करते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। रोल्स हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
पोटैटो रोल्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए कितना क्रिस्पी है। इसे आप ग्रीन चटनी या चिल्ली सॉस या केचप के साथ खा सकते हैं। यदि ये रेसिपी ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ।